कैसे आप कैपकट एप्लीकेशन के अंदर कस्टम फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों की कैनमास्टर में कैसे फॉन्ट को ऐड किया जाता है कस्टम फॉन्ट को, उसी तरह से आप कैपकट एप्लीकेशन के अंदर भी गाइज स्टाइलिश कस्टम फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करना है आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो छोटा ही होने वाली गाइज, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को अभी से कर दे लाइक, और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे ना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। सो गाइस ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को कर दे अभी से लाइक अगर लाइक नहीं किए तो। तो गाइस सबसे पहला नंबर आपको अभी जैसे कि कैपकट एप्लीकेशन अगर यूज करना है तो सबसे पहला नंबर तो आपको वीपीएन कनेक्ट करना होगा। सो अगर आपका वीपीएन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या करना है, वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है या वीपीएन कहाँ से डाउनलोड करें, तो इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो आप जाकर देख सकते हो कैपकट वाली प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो मैं चलिए दिखाता हूँ गाइस सबसे पहला नंबर तो वीपीएन यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर वीपीएन जो मैं यूज करने वाला हूँ सिक्योर वीपीएन, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू कनेक्ट हो जाता है गाइस, और एक क्लिक के अंदर कनेक्ट होने के कारण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो वीपीएन है गाइज बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेबल वीपीएन है, तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ गाइज। देन यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना ऐसे करके। सो कैपकट एप्लीकेशन जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर कोई भी एक, मैं आप लोगों को सिर्फ नॉर्मली से एक वीडियो लिख के दिखाता हूँ, बेसिकली यही वाली एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको ऐड कर लेता हूँ, इस टाइप से ऐड कर लेना गाइज। कोई भी वीडियो अपना जो भी वीडियो सेलेक्ट करना है उस वीडियो को ऐड कर लेना। देन आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाली एक ऑप्शन दिख रही है, इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना। दिखाता हूँ ये वाली जो टेक्स्ट वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, देन ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पर गाइज आपको एक प्लस का निशान दिख रहा होगा गाइज, तो ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। देन अपलोड फाइल्स का ऑप्शन जो दिख रहा है गाइज यहाँ पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगी आपके जो मेमोरी कार्ड या जो फ़ोन मेमोरी इंटरनल मेमोरी पे गाइज, तो वहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद आप जहाँ पर भी जो फॉन्ट का फाइल रखे हैं या तो फॉन्ट का डाउनलोड करके रखे वो वाली सेक्शन पे जाना, ऐसे करके क्लिक करना, और यहाँ पर जो भी फोल्डर्स पे है आपका जितने भी फॉन्ट्स उस फॉन्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए मैं अभी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको फॉन्ट डाउनलोड करना नहीं आता और आप सोच रहे हैं कहाँ से फॉन्ट मिलेगा, तो मैं फॉन्ट का पूरा जिप फाइल बना के एक वीडियो बना के रखा हूँ गाइज, तो आप जाके उसे भी देख सकते हो, वो भी प्ले डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइज, शो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा तो उसे आप देख सकते हो। शो गाइज यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक फॉन्ट अलग से लेके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी फॉन्ट ऐड कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं कोई डिफरेंट वाली फॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ये वाली सेंट, सो देख सकते हैं ये। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो फॉन्ट है गाइज आ चुका है। अब मैं अगर कुछ लिखना चाहूँगा तो जैसे लिख के दिखाता हूँ, ये वाली फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो उसी फॉन्ट के स्टाइलिश में आएंगे, देख सकते हैं गाइज ये। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉन्ट ये गेम्स ऑफ स्क्वाड वाली जो फॉन्ट है काफ़ी ज़्यादा, इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ गाइज, अभी तक आप नहीं देखा तो ये वाली फॉन्ट्स को मैं यूज इसमें भी लगा चुका हूँ, मतलब इसमें इंपोर्ट कर चुका हूँ गाइज, और फॉन्ट मैंने अभी तक जो इंपोर्ट किया हुआ गाइज, तो और भी मैं फॉन्ट को आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि क्लिक करना, और यहाँ पर बहुत सारे जैसे और भी फॉन्ट है मैंने, जैसे स्टैपन टाइप्स, इसको मैं अपलोड करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हो अपलोड हो चुका है गाइज। अब यहाँ पर अगर टच करोगे तो ये वाली फॉन्ट आ चुका है, देख सकते हो। सो अगर आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मेरा चैनल का नाम लिखता हूँ टेक्नो केवी, ठीक है, सो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में, देख सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, फिर से अपलोड वाले ऑप्शन पे जाना, मैं कोई और एक फॉन्ट ऐड करके दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर वेडिंग एक फॉन्ट है, और यहाँ पर गाइज फॉन्ट वाली जो फाइल है इस पर जाकर अगर देखोगे तो मैंने बहुत सारे इसमें फॉन्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे कि ये वाली फॉन्ट, तो ये वाली फॉन्ट को भी मैंने अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली फॉन्ट भी आ चुका है। और इधर आप अगर चेक करोगे इस एप्लीकेशन के अंदर, तो इस एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फॉन्ट है, आपको सिर्फ एक क्लिक करोगे तो ये फॉन्ट डाउनलोड हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी फॉन्ट्स की कमी नहीं है गाइज। और आप यहाँ पर जो कस्टम फॉन्ट्स को, स्टाइलिश फॉन्ट्स को, जैसे अलग कोई एप्लीकेशन में यूज करते हो उस टाइप से आप फॉन्ट को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, और आप भी समझ गए कि कैसे आपको कैपकट एप्लीकेशन के अंदर फॉन्ट्स को ऐड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी समझ में आके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो, तो हमारे चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा रेड कलर का, उसको दबा के
काला कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चले गए, मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ।